Hi friends, in this lecture I am continuing the discussion related to the MCQs on culture and this is my 16th lecture. So I will ask you to request that you watch the first 15 lectures and in the 15th lecture I have given 10 MCQs culture se related 10 MCQs and in this lecture I will continue that. So let's begin the 10 questions. First question is, Yaksh and Yakshini belong to which of the following religions? And three religions are given here. First one is Buddhism, second is Jainism, third one is Hinduism. And options are one only, all of the above, one and two only, one and three only. So option mein to de rakha hai ki Buddhism to hai hi hai, baki kaun sa religion hai, ye aapko pata karna hai. To iska answer hai all of the above, B all of the above. Tino religions ke se related hai, Yaksha and Yakshini. Dekhi, generally kya hota hai ki Yaksha and Yakshini jab hum padhte hai, to ye हम ज्यादातर बुद्धिज्म से रिलेटेड ही पढ़ते हैं, स्पेशली जब आप अजंता केव्स पढ़ते हैं या एलोरा केव्स पढ़ते हैं, ठीक है. लेकिन आप ये अगर और भी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि जैनिज्म और हिंदुइज्म में भी यक्ष एंड यक्षिणी होते थे, ठीक है, एंड होते हैं. तो अर्लीस्ट मेंशन ऑफ यक्षिणी कैन बी फाउंड इन शिलापत्तिकरम. अगर आपने संगम लिटरेचर से रिलेटेड कुछ पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि दिस इज वन ऑफ द फाइव तमिल एपिक्स. और तमिल लिटरेचर काफी इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि देखिए नॉर्थ इंडिया से तो काफी क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, तो मे बी अब संगम लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे यूपीएससी, ठीक है. दिस इज वन ऑफ दीज, वन ऑफ दोज बुक्स, राइट. चलिए क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स. तो आपने पढ़ा होगा कि पॉटरी जो है उससे अंदाजा लगा लिया जाता है कि ये पीरियड कौन सा था. तो सबसे पहले देखिए, कोई पॉटरी मिलती है उससे डेटिंग वगैरह करते हैं, कार्बन डेटिंग एंड ऑल, और उससे पता करते हैं कि ये पॉटरी जो थी किस पीरियड से एसोसिएटेड थी. तो पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी से भी एक पीरियड एसोसिएटेड किया गया है, आपको बताना है वो कौन सा पीरियड है. ऑप्शन आर ए हड़प्पा पीरियड, बी वैदिक पीरियड, सी मौर्यन पीरियड, डी चालकोलिथिक पीरियड. तो इसका आंसर है वैदिक पीरियड. द पेंटेड ग्रेवियर कल्चर इज एन आयरन एज कल्चर ऑफ द वेस्टर्न गंगाटिक प्लेन एंड खागरा घग्गर हाकरा वैली लास्टिंग फ्रॉम 1200 बीसीई टू 600 बीसीई. तो देखिए आयरन एज जो है वो वैदिक पीरियड ही है. वैदिक पीरियड के टाइम पे ही आयरन मिलना शुरू हुआ था, राइट. इट इज अ सक्सेसर ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर. और ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर जो है वो किससे एसोसिएटेड है, हड़प्पा से, आईवीसी से, विद इन दिस रीजन एंड कंटेम्पररी विद द कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्लैक रेड वेयर कल्चर इन द ईस्टर्न गैटिक प्लेन एंड सेंट्रल इंडिया. इट इज सक्सीडेड बाय नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फ्रॉम 700 टू 500 बीसीई एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ द ग्रेट महाजनपदा स्टेट्स एंड ऑफ द मगध एम्पायर. तो ये जो महाजनपदास के साथ जो पीरियड एसोसिएटेड है वो है NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है. तो इस एमसीक्यू से आपको तीन चीजें पता चली, एक है ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर कौन सा है, आईबीसी, और NBPW से कौन सा एसोसिएटेड है, महाजनपदा पीरियड, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. रथाज वर क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स. एंड ऑप्शन आर ए नंदी वर्मन, बी नरसिम्हा वर्मन, सी राजसिम्हा वर्मन, डी राजा राजा चोला. तो टेम्पल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आप देखेंगे कि साउथ इंडिया से ही ज्यादातर आते हैं. और ये शुरू में जब कोई पहली बार पढ़ रहा होता है तो उसे लगता है यार ये इतना सारा कैसे करेंगे, कैसे होगा. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा धीरे धीरे आप एक एक टेम्पल करते रहिए और आप देखेंगे कि सारे कवर हो जाएंगे एंड में, ठीक है. जब 100 क्वेश्चन हैं जीएस में तो कुछ छोड़ने का तो चांस होता ही नहीं, हमें सारे टॉपिक्स कवर करने ही होंगे. एनीवेज इसका हम आंसर देखते हैं. इसका आंसर है बी नरसिम्हा वर्मन. तो पांच रथास थे, पंच रथास आल्सो नोन एज फाइव रथास और पांडव रथास इज अ मॉन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स एट महाबलीपुरम. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे इंडिया मैप पे देखें. ऑन द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल इन द कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. पंच रथास इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोलिथिक इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर. तो महेंद्र वर्मन के टाइम पे शुरू हुआ था और नरसिम्हा वर्मन जो है उन्होंने मेनली वर्क किया था रथास पे. और
पांच रथाज हैं और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें से सबसे बड़ा रथ जो है और स्मॉलेस्ट रथ जो है वो भी आप चेक कर लें कि किसका है, ठीक है। और ये आप, ये इमेज है पंचरथास टेंपल की। एक बार अगर हम ऑप्शन पे वापस आए तो चोला चोला को तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि चोला चोला के टाइम पे जो थे बड़े बड़े टेंपल बनना शुरू हो गए थे, ठीक है। सबसे पहले जो थे वो ये नंदी वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, राजसिम्हा वर्मन आए थे, ठीक है। तो ये पल्लवास जो पीरियड था और उसके बाद ही चोला का पीरियड आया था। हाँ, अब ये है कि इन सब में आपको एलिमिनेट करना होगा, राजसिम्हा वर्मन कौन है, नरसिम्हा वर्मन कौन है, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजसिम्हा वर्मन और नरसिम्हा वर्मन। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे तो एटलीस्ट इन दोनों के बारे में आप पढ़ लें पल्लवास में, ठीक है। और चोलास में तो आपको राजा राजा चोला एंड राजेंद्र चोला, जो राजा राजा चोला के बेटे थे, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड फतेहपुर सीकरी। तो आपको पता होगा आगरा से थोड़ा दूर है फतेहपुर सीकरी, अराउंड 40 किलोमीटर्स। तो देखते हैं इसमें, वन इज बुलंद दरवाजा, सेकंड इज पंचमहल, थर्ड वन इज जोधाबाई पैलेस, फोर्थ वन इज अकबर टॉम्ब। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ए वन ओनली, बी ऑल ऑफ द अबव, सी वन टू एंड थ्री, डी वन एंड टू ओनली। देखिए जब हम टेस्ट सीरीज कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज करते हैं, तो हमारी एक आदत लग जाती है कि जब भी ऑल ऑफ द अबव दे रखा है तो उसे ही हम मार्क कर देते हैं। अब ऐसा आप हर जगह ना ही करें तो ही अच्छा है। इसका आंसर देखते हैं हम, इसका आंसर है वन टू एंड थ्री ओनली। अकबर्स टॉम्ब इज सिचुएटेड इन ग्राउंड्स इन सिकंदरा, अ सबर्ब ऑफ आगरा, उत्तर प्रदेश, इंडिया। बाकी तीनों जो है और भी काफी मॉन्यूमेंट्स हैं जो फतेहपुर सीकरी के अंदर है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फुलकरी वर्क रिलेटेड टू एम्ब्रॉयडरी इज फेमस इन। तो चार स्टेट दे रखी है, ए राजस्थान, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी पंजाब। एंड द आंसर इज डी पंजाब। फुलकरी एम्ब्रॉयडरी टेक्निक फ्रॉम द पंजाब रीजन डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड हरियाणा लिटरली मीन्स फ्लावर वर्क, राइट, विच वॉज एट वन टाइम यूज एज द वर्ड फॉर एम्ब्रॉयडरी, बट इन टाइम द वर्ड फुलकरी became restricted to embroidery shawls and head scarves. तो आपको याद रखना है पी पी, पी से फुलकरी, पी से पंजाब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन कार्नेटिक म्यूजिक। वन स्टेटमेंट इज कार्नेटिक म्यूजिक इज इंडिजिनस, देर इज, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज देर इज नो स्कोप फॉर आर्टिस्ट टू इम्प्रोवाइज। मतलब अपने तरफ से कुछ चेंजेस लाने का स्कोप, देर इज ए स्कोप, मतलब स्कोप है अपनी तरफ से कुछ चेंजेस लाने का, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है। एंड द ऑप्शंस आर वन ओनली, सेकंड ऑप्शन इज टू ओनली, थर्ड ऑप्शन इज बोथ वन एंड टू, फोर्थ ऑप्शन इज नाइदर वन नॉट टू। तो आपको पता होगा कि हर म्यूजिक के कोई ना कोई रूल्स होते हैं, तो उस रूल से बाहर होके अगर कोई चेंजेस लाना है तो उसको कोई इम्प्रोवाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है ए वन ओनली। तो आपको पता होगा कार्नेटिक वर्ड जो है वो साउथ इंडिया के लिए यूज किया जाता है। तो अगर ये इंडिया का मैप है, अगर मैं क्विकली ड्रॉ करूं, ठीक है, तो देखिए ये जो रीजन है इसके नीचे वाला, ये रीजन हमेशा अनडिस्टर्ब रहा है दूसरे रीजन से। तो यहां पर जब जो भी आर्ट या जो भी म्यूजिक फॉर्म है वो इंडिजिनस है और उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं तो मिनिमम हुए हैं। और यहां पर जो नॉर्थ इंडिया है, यहां पर इन्वेजन होता रहा है, यहां से आपको पता होगा, तो चेंजेस आते रहे हैं विद टाइम, ठीक है। तो सेकंड जो है कि ऑप्शन जो था देयर इज स्कोप, तो उसमें कोई स्कोप नहीं है क्योंकि कार्नेटिक म्यूजिक जो है इंडिजिनस है और उसमें एक सेट ऑफ रूल्स है, उसे ही फॉलो करना होता है। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है नॉर्थ इंडियन, वो इंडिजिनस नहीं है, उसका इंपैक्ट है यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया है, अरेबियन पेनिनसुला है वहां का, और इम्प्रोवाइज करने का भी स्कोप है हिंदुस्तानी म्यूजिक में, कार्नेटिक म्यूजिक में नहीं है स्कोप, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कालबेलिया डांस। इट इज ओनली परफॉर्म बाय वुमेन। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान।
and options are same, one only, two only, both one and two, neither one nor two. देखते हैं इसका आंसर. इसका आंसर है both one and two. It is performed by Kalbelia community. Second statement is bean with wind instrument used by snake charmers is the popular music instrument of the dance form. तो आप अगर विकीपीडिया पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैन और वोमेन दोनों करते हैं, लेकिन अगर आप डांस की वीडियोस देखेंगे या और दूसरी साइट्स चेक करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि दिस इज परफॉर्म्ड बाय ओनली वुमेन. ठीक है, इवन नितिन सिंघानिया बुक जो है, जो काफी अच्छी बुक है, उसमें भी दे रखा है कि इट इज ओनली परफॉर्म्ड बाय द वुमेन. ठीक है, तो कालबेलिया कम्युनिटी है और कालबेलिया डांस का नाम भी है और वो राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है और ओनली वुमेन ही करती है. एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट. ऑप्शंस आर ए अजंता केव्स, बी एलोरा केव्स, सी बाघ केव्स, डी एलिफेंटा केव्स. तो अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता तो एक चीज तो है कि ये दोनों बहुत पॉपुलर है. ठीक है, तो इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दीजिए, ये तो होंगी ही होंगी ये सोच के. अब डाउट रहता है सी और डी में, तो देखिए थोड़ा रिस्क हमें यूपीएससी के पेपर में लेना ही पड़ता है, तो आप जस्ट ये रियलाइज करिए कि इन दोनों में से ज्यादा पॉपुलर कौन है. तो अगर आपको थोड़ा अगर आइडिया है तो ज्यादा पॉपुलर एलिफेंटा केव्स है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं. इसका आंसर है पार्क केव्स. ठीक है, तो थोड़ा हमें ऐसे एलिमिनेट करना पड़ता है. हाँ, अब ये है कि इसमें चांसेस होते हैं कि आपके 75% सही होगा, लेकिन 25% आपका गलत हो सकता है. तो अब आपको रिस्क तो लेना ही होता है थोड़ा. ठीक है, तो इसका आंसर है बाघ केव्स. बाघ केव्स आर अ ग्रुप ऑफ 9 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स सिचुएटेड अमंग द साउथर्न स्लोप्स ऑफ द विंध्याज इन बाघ टाउन ऑफ थर्ड डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश स्टेट. तो मध्य प्रदेश में है बाघ केव्स, और पहली दोनों जो केव्स हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है इन महाराष्ट्र, और एलिफेंटा केव भी महाराष्ट्र में है, और कहां पर है, मुंबई से. तो आप अगर गेटवे ऑफ इंडिया गए हो वहां से फेरी मिलती है जो 1 आवर जर्नी होती है अराउंड, जो आपको एलिफेंटा केव्स ले जाती है. ठीक है, चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कठपुतली पपेट्री. स्टेटमेंट्स आर, फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर इज एब्सेंस ऑफ लेग्स इन द पपेट्री. Second is, it is performed in the state of Rajasthan. Options are same, one only, two only, both one and two, neither one nor two. इसका आंसर है both one and two. तो कथ का मतलब होता है wood, पुतली का मतलब होता है doll, and accompanied by a dramatic folk music. अब देखिए यहाँ पर दे रखा है कि absence of legs, तो हम अपना दिमाग लगाने बैठ जाते हैं कि यार absence of legs ऐसा तो हो ही नहीं सकता, legs तो होती होंगी, तो इसको हम गलत मार्क कर दें. तो यही है आपकी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि थोड़ा आप अगर अपनी इंटेलिजेंस यूज करें तो चांसेस होते हैं कि 75% सही होगा, 25% गलत हो सकता है. तो आपको वो ध्यान से थोड़ा रिस्क लेना है, और अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छा ही है. इसको अलग से हाईलाइट करके दिया होता है कि देर इज एब्सेंस ऑफ लेग्स इन द पपेट्री, और राजस्थान में है ये पॉपुलर, ये तो शायद आपको पता होगा. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ is theme of which of the following Indian painting. Options are A. Kalamkari paintings, B. Paithkar paintings, C. Kalighat paintings, D. Madhubani paintings. काफी बार क्या होता है कि हमने कल्चर में पढ़ा तो होता नहीं सब कुछ, हमें एक ही पेंटिंग याद होती है मधुबनी, तो हमें लगता है सबके आंसर मधुबनी ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. इसका आंसर है पैथकर पेंटिंग्स, जो झारखंड में होती है, और उसकी थीम है व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ. तो सबके कोई ना कोई मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, 2 से 3 मेन पॉइंट्स ही होते हैं, वो सब आपको याद करने होंगे. एक तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि वो किस स्टेट में है, बाकी सब एक थीम हो गई, जैसे या इट इज ओनली परफॉर्म बाय वुमेन, ऐसी चीजें आप हर चीज, हर पेंटिंग या थिएटर में या कोई भी मार्शल आर्ट है उसमें आपको याद करनी होगी. ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू.